गैस, हमने काफ़ी डिटेल में बात करी थी काफ़ी चीज़ों के बारे में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, यहाँ पर 27th वीडियो है हमारा, ये तो TU27 में लिख दूंगा। और यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं एक तो विजिबिलिटी प्रॉपर्टी के बारे में और एक जी इंडेक्स क्या होती है। तो जल्दी से फाइल बना लेता हूँ पहले, और उसी के साथ साथ बॉयलर प्लेट लगा देता हूँ। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जल्दी से विजिबिलिटी एंड जी इंडेक्स। और ये क्या है, किस तरह काम करता है, इसको दर्शाने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डिव दे दूंगा विद क्लास बॉक्स और दे दूंगा विद आईडी बॉक्स डॉलर। अभी डॉलर क्या होता है ये बताता हूँ। जैसे मैंने ये मल्टीप्लाई बाय 4 किया है, जो मैंने एमिट अभी लिखी हुई है यहाँ पर, मैंने यहाँ पर बोला है सबसे पहले तो चार डिव बनाओ, सबको क्लास दे दो बॉक्स नाम की, और उसके बाद सबको आईडी दे दो बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 ऐसे करके। डॉलर का मतलब होता है 1 2 3 4। जैसे ही मैं एंटर मारूंगा देखो आईडी आ गई बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 4, तो ये सीरीज में आ जाएगा। अगर मुझे 10,000 चाहिए होते तो मैं 10,000 लिख लेता, ठीक है। सेव किया मैंने इसको। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर स्टाइल टैक्स लिखूँगा, और स्टाइल टैक्स लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, स्टाइलिंग करूँगा। किसकी, मैं अपने बॉक्सेस की स्टाइलिंग करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, डॉट बॉक्स को विड्थ और हाइट दे दूँगा। तो विड्थ मैं दे दूँगा 170, हाइट भी दे दूँगा 170 पिक्सल्स। एक स्क्वायर बना लिया, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। और उसी के साथ साथ कलर जो है वो मैं सबको उसके हिसाब से दूंगा, और इनफैक्ट कलर नहीं बैकग्राउंड कलर दूंगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर बॉक्स 1, मुझे लिखना था यहाँ पर बॉक्स 1, और यहाँ पर बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 सबके लिए दूंगा क्या, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर दूंगा मान लो ग्रीन दे दिया, ठीक है, और सबके लिए देना है तो 1 2 3 और 4, ठीक है। और इसको रेड कर देते हैं, इसको ब्लू कर देते हैं, और ब्लू के बाद इसको येलो कर देते हैं, ठीक है। तो ये चार अलग अलग कलर के बॉक्स बना लिए। तो ज़रा लाइव जाते हैं लाइव सर्वर की मदद से, और ये देखो यहाँ पर कलर आया नहीं यार, ऐसा क्यों हुआ, लगता है मैंने कोई गलती करी। हाँ, यहाँ पर डैश मैंने लगा दिया, डैश नहीं था मेरे बॉक्सेस में। या तो मैं यहाँ पर डैश लगा लूँ, या फिर मैं ऊपर से डैश हटा दूँ, तो मैं यहाँ पर डैश लगा लेता हूँ इस तरह से। हाँ, अब ठीक है, अब देखो ये कलर्स आ गए। तो अभी तक कुछ नहीं, हमने सिर्फ चार डब्बे बनाए, ज़्यादा कोई बड़ा काम हमने करा नहीं है। अब इन चार डब्बों को बनाने के बाद मैं आप लोगों को सबसे पहले विजिबिलिटी प्रॉपर्टी के बारे में बताता हूँ। अब मान लो मैंने दूसरा वाला जो डब्बा है मेरा बॉक्स 2, मैं यहाँ पर एंटर मारता हूँ अभी, और यहाँ पर ऐसे एंटर मारता हूँ। अगर मैं इसकी विजिबिलिटी को हिडन कर दूँ, अब देखो यहाँ पर मैंने विजिबिलिटी जैसे लिखा ये वैल्यूज़ आ गई मेरे पास। अब विजिबिलिटी की डिफ़ॉल्ट वैल्यू की बात अगर मैं करूं तो वो होती है विजिबल, लेकिन यहाँ पर मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू देने के लिए नहीं बैठा हूँ। अगर मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे भी दूँ तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरी डॉम में मेरे HTML को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरी मार्कअप ऐसे के ऐसे ही दिखती रहेगी। अगर मैं यहाँ पर विजिबिलिटी को हिडन कर दूँ, अब देखो यहाँ पर विजिबिलिटी को हिडन कर दूँ तो ये देखो ये हाइड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी चीज़ है उसको हटा दो, विजिबिलिटी हिडन करने से एलिमेंट हाइड हो जाता है। तो इस तरह से क्या होगा कि एलिमेंट आपका हाइड हो जाएगा। तो विजिबिलिटी हिडन से हमने देखा कि एलिमेंट जो है हमारा हाइड हो जाता है, लेकिन जो जगह वो लेने वाला था वो जगह उसकी रिजर्व रहती है। लेकिन अगर मैं इस जगह को गायब करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये एक तरह से गायब हो जाए एलिमेंट मेरा, तब मैं क्या करूँगा, तब मैं विजिबिलिटी हिडन ना करके डिस्प्ले को नन कर दूंगा। तो डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन मैं यहाँ पर नन करके आपको दिखाता हूँ क्या होता है। जैसे मैंने डिस्प्ले नन किया देखो ये गायब हो गया। तो मैं ये कह रहा था कि जो डिस्प्ले नन है और विजिबिलिटी हिडन है, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है लोगों को। और डिफरेंस क्या है दोनों में, डिफरेंस यहाँ पर दोनों में ये है कि जो विजिबिलिटी हिडन होता है वो जगह को रिजर्व करके रखता है, और जो डिस्प्ले नन होता है वो क्या करता है, वो जो जगह है वो भी गायब कर देता है जिसमें आपका एलिमेंट होता। चलो ये हो गई हमारी विजिबिलिटी प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर हम जी इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी मैं ज़रा आप लोगों के लिए थोड़ी जानकारी यहाँ पर लिख देता हूँ, विल हाइड दी एलिमेंट एंड दी स्पेस, विल हाइड दी एलिमेंट बट विल शो इट्स एम्प्टी स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पर इसको इस तरह से कमेंट लगा देते हैं ताकि आप लोग समझ जाओगे। इस तरह से मैंने कमेंट लगा दिया इसमें, अब आप समझ जाओगे यहाँ पर, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर इसको ज़रा सही से कर देना चाहिए था, मैं एक दूसरी लाइन में कर देता हूँ यार इसको, ताकि कन्फ्यूजन ना बैठ जाए कहीं, कन्फ्यूजन बैठना बिल्कुल नहीं चाहिए। यहाँ पर मैं एंटर मारूँगा,
यहाँ पर इसको ऐसे करूँगा, इसको इसके ऊपर करूँगा, और इसमें मैं थोड़ा टाइम लेके कमेंट वगैरह लगा रहा हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पर फिर बाद में जब आप आओगे और देखोगे इस चीज़ को तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी बिल्कुल भी, तो इसलिए मैं लगा रहा हूँ ये सब कॉमेंट्स। तो मैंने यहाँ पर सारे कॉमेंट्स लगा दिए। अब मैं जी इंडेक्स की बात करना चाहता हूँ। तो सबसे पहली बात आप लोगों को जो मैं बताना चाहता हूँ जी इंडेक्स के बारे में, वो ये है कि जी इंडेक्स करती क्या है। देखो, मेरे पास ये बहुत सारे बॉक्सेस हैं, अगर फॉर एनी रीज़न एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स आ जाए तो कौन सा ऊपर दिखाई देगा, ये जी इंडेक्स स्पेसिफाई करती है। लेकिन लोगों को शिकायत होती है सीएसएस यूज़ करने वालों को कि जी इंडेक्स काम नहीं कर रही है, और उसका रीज़न ये होता है कि जी इंडेक्स काम करती है सिर्फ पोजीशन एलिमेंट में, यानी कि अगर आपकी पोजीशन एब्सोल्यूट हो, रिलेटिव हो, फिक्स्ड हो या स्टिकी हो, आपकी डिफ़ॉल्ट पोजीशन क्या होती है, स्टैटिक होती है, तो उसके लिए काम नहीं करेगी आपकी जी इंडेक्स। तो अगर मान लो मैं इन दोनों को एक के ऊपर एक लाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले तो मैं दोनों की पोजीशन को रिलेटिव कर दूंगा। ठीक है, पोजीशन प्रॉपर्टी हमने डिटेल में डिस्कस करी है, उसमें मैं बिल्कुल नहीं आऊँगा ज़्यादा, और चीज़ों को रिपीट करने से अच्छा है कि आप लोग वीडियो को रिपीटेडली देख लें जो भी प्रॉपर्टी आपको समझ में नहीं आ रही है। तो मैं यहाँ पर पोजीशन करता हूँ इसकी, रिलेटिव कर देता हूँ, और पोजीशन रिलेटिव कर देता हूँ, और उसी के साथ साथ इसकी भी पोजीशन रिलेटिव कर देता हूँ, और दोनों की पोजीशन रिलेटिव कर दी। एक को मैं कर देता हूँ टॉप से 34 पिक्सल, और दूसरे वाले को कर देता हूँ मैं टॉप से 49 पिक्सल्स। ठीक है, तो टॉप से मैंने एक को 49 पिक्सल्स कर दिया, और एक को मैंने क्या कर दिया, मैंने टॉप से 34 पिक्सल कर दिया। तो अगर मैं राइट क्लिक करके इसको इंस्पेक्ट करूँ अभी थोड़ा देखूँ, तो ये देखो यहाँ पर, ये देखो ये इसके पीछे है, नीचे वाला ऊपर है, फिर देखो यहाँ पर ये इसके ऊपर है, और यहाँ पर जो बॉक्स टू था उसकी मैंने पोजीशन रिलेटिव करी, और इसको टॉप से मैंने 34 पिक्सल किया। तो मैं इसको और नीचे कर सकता था, और ऊपर कर सकता था, कुछ भी मैं कर सकता था। अगर मैं इसको 0 पिक्सल कर दूं तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी तो हमने डिस्कस करी थी। तो अभी यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको टॉप से थोड़ा और कम दे देता हूँ, मैंने 34 दिया है इसको, टॉप से 14 दे देता हूँ इसको। ठीक है, तो ये एक के ऊपर एक मुझे चढ़ते हुए बड़े आराम से दिखेंगे। अब फॉर एनी रीज़न मान लो मैं चाहता हूँ कि यार काश ग्रीन मेरा ऊपर होता। अब एक चीज़ यहाँ पर नोट करना, मैंने दोनों की पोजीशन को रिलेटिव किया है, मैं स्टैटिक पोजीशन पर यानी कि जो डिफॉल्ट पोजीशन होती है उस पर जी इंडेक्स काम नहीं करेगा। मैं बता रहा हूँ पहले आपको, काम नहीं करेगा, और मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ क्योंकि ये बात ही इतनी इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी इंडेक्स विल वर्क ओनली फॉर पोजीशन रिलेटिव एब्सोल्यूट फिक्स्ड और स्टिकी। ठीक है, यहाँ पर आपने अगर पोजीशन कर रखा है एलिमेंट को तभी ये काम करेगा, वरना ये काम नहीं करेगा। पोजीशन अगर सेट नहीं करी आपने तो ये काम नहीं करेगा, बार बार बोल रहा हूँ मैं इस बात को। और अभी अगर मैं इसकी जी इंडेक्स बड़ा कर दूँ, कुछ भी बड़ी वैल्यू डाल दूँ, पिक्सल नहीं 34, तो मैंने दूसरी वाली की 34 कर दी जी इंडेक्स, मुझे इसको ऊपर लाना है ग्रीन वाले को, तो मुझे इसकी जी इंडेक्स 34 से बड़ी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं इसकी जी इंडेक्स क्या कर दूंगा, 35 कर दूंगा। तो जिसकी भी जी इंडेक्स बड़ी होगी वो ऊपर आ जाएगा। देखो अभी ग्रीन वाला ऊपर आ गया क्योंकि इसकी जी इंडेक्स ज़्यादा है, लेकिन अगर जिसकी जी इंडेक्स मैंने 34 या उससे कम कर दी तो ये देखो ये पीछे चला गया। तो जी इंडेक्स की वैल्यू अगर आपको सेट करनी है, अगर किसी एलिमेंट को अंदर धकेलना है तो आप उसको नेगेटिव दे दो। अगर मैं इसको अभी -1 दे दूँ वैल्यू, तो नो मैटर वट ये जो है पीछे चला जाएगा। बस आप लोगों को ध्यान ये रखना है, जो जी इंडेक्स होती है वो ये स्पेसिफाई करती है। देखो लिखा हुआ है ऊपर फॉर अ पोजिशन बॉक्स, देखो इन्होंने भी सबसे पहली बात यहीं से चालू करी है कि एक पोजिशन बॉक्स के लिए जी इंडेक्स प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करती है कि किस लेवल में स्टैक किए जाएंगे, क्या ऑर्डर होगा स्टैकिंग का, कि एक के ऊपर एक अगर चढ़ गए बॉक्स तो क्या ऑर्डर होगा उनका। ठीक है, सो यहाँ पर बॉक्स वन और बॉक्स टू में हमने डाल के देखी पोजीशन रिलेटिव, इसको हमने स्टैकिंग ऑर्डर देखा, और हमने ये देखा कि जो जी इंडेक्स है जितनी ज़्यादा होगी उतना ऊपर आ जाएगा हमारा एलिमेंट। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर इसको -16 दे देता हूँ, उसको -35 दे देता हूँ, तो आप बताओ कौन सा एलिमेंट मेरा ऊपर आएगा। तो देखो यहाँ पर ये रेड वाला आ गया क्योंकि जो -16 होता है वो बड़ा होता है, लेकिन अगर इसी को मैं -165 कर दूँ तो क्या होगा, तब ये मेरा ग्रीन वाला ऊपर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि -35 बड़ा हो गया। तो जो भी चीज़ बड़ी है, जो भी जी इंडेक्स जिसकी भी बड़ी है, वो कहाँ आ जाएगा, सबसे ऊपर आ जाएगा। देखो यहाँ पर -35 थी तो ये ऊपर आ गया, -165 थी तो पीछे आ गया। तो जी इंडेक्स की सिर्फ इतनी कहानी है, पोजिशन एलिमेंट में काम करता है, उसी के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा जी इंडेक्स होगा जिसका भी, वो ऊपर आ जाएगा। दैट्स इट, दैट्स अबाउट इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो
अब होता क्या है कि हम लोग जावास्क्रिप्ट से इसको स्टाइलिंग करते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो वो सारे काम हम लोग कर सकते हैं। जब भी हम कोई सोशल मीडिया वेबसाइट बनाते हैं, टेम्पलेट वगैरह, वहाँ पर काफ़ी यूज़ होता है सी इंडेक्स का भी। आपने चैट बॉक्स नीचे लगाना है, एक के ऊपर एक स्टैकिंग कर रहे हैं आप एलिमेंट्स की, तो वो सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। सो आई होप कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को, और उसी के साथ साथ आपको विजिबिलिटी और डिस्प्ले नन में भी डिफरेंस आ गया होगा। विजिबिलिटी हिडन और डिस्प्ले नन एक नहीं होते हैं। काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि विजिबिलिटी हिडन और डिस्प्ले नन एक चीज़ है, लेकिन जो डिस्प्ले नन होता है वो जगह को भी ख़त्म कर देता है, विजिबिलिटी हिडन जो है जगह को हिडन नहीं करता है, जगह को गायब नहीं करता है। तो अगर आप लोगों को जगह चाहिए, यानी कि अगर मैं इसकी विजिबिलिटी हिडन कर दूं, तो ये जगह जो है मेरी खाली बच जाएगी। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है वेब डेवलपमेंट वाली, तो मैं कहूँगा कि आप लोग प्लेलिस्ट को ज़रूर से एक्सेस करें और इसको ऊपर बुक मार्क कर लें। अगर आप लोगों ने बुक मार्क नहीं किया है तो यहाँ पर आप क्लिक करके इसको बुक मार्क कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप लोग इसको सेव भी कर लें प्लेलिस्ट को। और अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो मुझे लाइक करके और कमेंट करके बताएं क्या चल रहा है आपके दिमाग में व्हाइल यू आर वॉचिंग दिस वीडियोस। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।